हेलो फैमिली, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं फाकरा शाहरुख आपके सामने आज फिर हाजिर हूँ एक न्यू डिश के साथ, जिसका नाम है चना पुलाव। वाइट चनों वाले आज हम चावल बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, और उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, बहुत सिंपल सा है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। तो मैं आपको आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं घर में कैसे बनाती हूँ। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मीडियम प्याज लिया है और प्याज मैंने काट लिया है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी और हम प्याज ब्राउन होने के लिए रख देंगे। जी, तो हमारे प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैंने जीरा लिया है, साबुत दालचीनी ली है 2 पीस और लौंग लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जी, तो इसके साथ ही मैं टमाटर ले रही हूँ, 2 अदर टमाटर लिए हैं, 2 मैंने हरी मिर्ची ली है और इनको मैं इसमें ऐड करके साथ में मैं अपने मसाले इसमें ऐड करती हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे नमक। जी, तो हम इसमें हसबे रायता नमक डालेंगे। आप जितना नमक पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैं भी अपने हिसाब से नमक ऐड कर रही हूँ। साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्ची पिसी हुई, साथ में हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी चिली फ्लेक्स मैं ले रही हूँ वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर लिया है और बिरयानी, ये शान वालों की मैं बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी थोड़ा सा इसमें टेस्ट के लिए। मसाले को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जी, तो हमारे ये देखें टमाटर जो है वो गल रहे हैं और मसाला भी जो है वो मिक्स हो रहा है इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे, रात से मैंने भिगोए हुए थे वाइट चने, ये रात से भिगो के रखे हुए थे, अब हम इसमें इनको ऐड कर देंगे ताकि ये गल जाएं और इनमें मसाला जो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम अभी इसमें चने अच्छे से फ्राई करेंगे। पानी तकरीबन मैंने थोड़ा सा जो ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हमारे चने जो है फ्राई हो चुके हैं, ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है साइडों पे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, जितने आपने चावल लिए हैं अपने हिसाब से आप उसमें पानी ऐड करें, और मैं इसमें 1 कप ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि चने जो है हमारे वो अच्छे से गल जाएं। तो हमारे चावल जो हैं वो 2 ग्लास चावल हैं मेरे, और मैंने पानी जो है वो पहले चने गलने हैं तो इसलिए मैंने इसमें 4 ग्लास पानी ऐड किया है। चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं, अब हम इन्हें पकने देते हैं। जी, तो हमारे चने जो हैं वो गल चुके हैं और अब हमने इनमें चावल भिगो के रखे हुए हैं, जो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। जी, तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे अभी। अपने हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे, मैंने चावल पहले से भिगो के रखे थे और जैसा कि हमारे चने गल चुके हैं और मैं अब इनमें पानी जो है भीगे हुए चावलों में मैं अपने हिसाब से इतना पानी रख रही हूँ।
जी, तो अभी हम चेक करते हैं हमारे चावल जो हैं वो गले हैं कि नहीं। जी, तो देखिए हमारे चावल जो हैं पानी इनका ड्राई हो चुका है और अब इस कंडीशन में है कि हम इनको दम पे रख दें। अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जी, तो आंच हमने बिल्कुल स्लो कर दी है और अब हमने इनको थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमारे चावल जो है दम से हमने हटा दिए हैं और देखें कितने मज़े की खुशबू आ रही है और हमारे चावल जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह से मैंने चावल बनाए हैं। अभी हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे और जो जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके सामने हाज़िर होती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।